लगा उस इडली मैंने, ये मालिक मर जाता तो महाकाल के पास पहुंचता। सही बात। अच्छा शंकर जी इतनी कट्टू सी, मांगने से कुछ नहीं मिलता। ए मेरे गणेश जी तेरे घर आ जाना, करे पति बापा पीठ के दर्शन नहीं कर पाता आदमी। हिंगलाज हिंगलाज मैया जो पाग तो दोस्तों हमारी ट्रेन ने बिदेसा रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया है और उज्जैन पहुंचने वाले हैं। देख रहे हैं आप बिदेसा। दोस्तों देख रहे हैं आप कि हम पहुंच चुके हैं सीहोर, जो कि पहले बहुत छोटा रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब जो प्रदीप मिश्रा जी की भागवत कथाओं ने और शिव कथाओं ने इस सीहोर रेलवे स्टेशन को बहुत बड़ा कर दिया है। रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। अच्छा मरा नहीं हूँ, दर्शन कराओ महादेव। अच्छा मर जाता तो महाकाल के पास पहुंचता। सही बात है। मरगट में महाकाल का ही वास है वो मरगट में। बेटे यार तुम मेरे कैसे कटार कुछ इडली मैंने, ये महादेव मेरे को ऐसा ही रखना है आपको, तो अपनी शरण में ले लो। अच्छा अपनी शरण में ले लो तो जी। और सुनो मेरी बात है, तुम सब शरण में ही है। शरण में कोई कोई नहीं है, भाई भाई का नहीं है माँ बाप के मरने के बाद। अच्छा अच्छा पर मैं नहीं खाता, मेरे को अच्छा लिया ना सूखी रोटी चाहिए। सूखी रोटी क्यों खाता है? सूखी रोटी खाता बताऊंगा। बताओ तुम जो जानते हो वही बता दो। आदमी कहता है, है? आदमी कहता अमरनाथ में कथा सुनी अमर हुए कबूतर, कबूतर अमर नहीं हुए, सुख माने होता तोता, संस्कृत भाषा में बोलते हैं सुख को तोता। बच्चा था अंडा था, पार्वती जी तो सो गई, वो करता हुआ हो गया चला गया। उसने कही पार्वती जी तो सो रही है, तो ये बताओ मेरी कथा किसने सुन ली, अमर कौन हो गया, भूखरा कौन दे रही। हाँ तो वो तोते का बच्चा बड़ा हो गया था उड़ने लायक। अच्छा उनको उड़ने के लिए अब शंकर जी उसके पीछे पड़े दवाई ले रहे थे, तो उनका नाम है सुखदेव महाराज। वो बोले शंकर जी 9 महीने बाद तो निकलेंगे। मैं बोले 1 साल की समाधि नहीं ले रहे आप। अच्छा शंकर जी इतनी कट्टू सी, 1 साल ही तुम 1 साल की समाधि ले रहे हो, मैं पेट में 14 साल की समाधि ले रहे आप। अच्छा इसीलिए प्यार शक्ति सबसे ऊपर होती है मेरे भाई। सुखदेव जी की, सुखदेव जी की नहीं तो 14 कला है सुखदेव जी में भी। महाकाल की बताओ, महाकाल पे जा रहे हैं हम दर्शन करने। अब आप जा रहे हो तो आप जाओ अच्छे मन से जाओ, इसको इसको मन इसको बोलते हैं मन, क्या होता हार्ट हृदय। हाँ उल्टे हाथ में आ उल्टे ही जाइए, इसको स्वच्छ बना मेरे भाई। अच्छा माता जी आप ही के लिए। अच्छा इसको स्वच्छ बना, जीवन में सफलता ही सफलता है। अच्छा जी चलो सही कह रही हो। मांगने से कुछ नहीं मिलता, ए मेरे गणेश जी मेरे घर आ जाना, करे पति बापा पूरी पश्चिमी वाला है तो वो प्रसाद बंटवा दो, आरती में जो मिले वो चढ़ा ला, वो घंटा वाली बजा बुझी। अच्छा अब वो लाल नहीं होंगे, मेवा मिष्ठान खाएंगे तो। सही बात,
गौ हत्या मेरे सामने हो गई। अच्छा, उसी गर्दन कटी मिलेगी। अच्छा जी, हाँ। इतने कट्टर हो? कट्टर नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि भैया ने कितना अद्भुत ज्ञान दिया हमें और महाकाल के बारे में बताया। वो महाकाल का आप एक वाक्य भी बता रहे थे कि जैसे भीड़ में लगी। बताओ। काशी में जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, कहते हैं, पुराणों में भी लिखा है ये। ठीक है, ठीक। और जो मगर में जाता है वो नरक हो जाता है। 51 पीठ है, सिद्ध पीठ 51। एक पीठ के दर्शन नहीं कर पाता आदमी। हिंगलाज मैया जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही बात है। मैंने भैया 19 साल जेल में आखिरी पढ़ी है जेल लाइब्रेरी। कितने साल रही हो? 14 साल, 14.5 काटी है मैंने जेल में। तो काय बात में काटी आई? कतल में। कतल करी आई? किनको बंधु? किनको? अब ये नहीं पूछो किसका कर दिया। मैं मुलाकात होती है, राशि 12 होती है। एक आदमी से दो राशि वाला मुलाकात कर सकता है। अच्छा, बहुत सही। तो दोस्तों देख रहे थे आप कि महाराज जी सामान बेच रहे थे अपना, लेकिन ज्ञान की बातें करने के लिए सामान वामान सब पैक कर दिया है। और भाई सुनो, ये मेरा ये तो बिजनेस है। हाँ, धंधा है, तो रोजी रोटी है। मैं अपना सामान स्टेशन के बाहर रख के आता हूँ।